स्पोर्टी घोड़े टीम तुम्हाला पाहायला मिळतोय। तो चलिए फिर से सभी का करते हैं स्वागत आज के रात का मेगा फाइनल रात का यह सुपर फोर के लिए मुकाबला चलता हुआ। इसमें से जो टीम जीतेगी वो सीधा जाएगी सुपर फोर में, यानी कि एक ट्रॉफी यहां पर उनके नाम होगी। ये मैन ऑफ द सीरीज की बारी किसके नाम होगी ये आज की रात बताएगी। अब सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं जो हमारे दर्शक YouTube पर RTC लाइव के माध्यम से जो मुकाबला देख रहे हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। मुकाबला वेरी टफ रफ एंड टफ देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों टीमें हैं तगड़ी। एक तरफ है विश्वजीत ठाकुर, दूसरी तरफ है अभिजीत ठाकुर। तो सावरकर टीम की बात करें तो चेतन गरत और सुमित गरत ये दोनों खूंखार बल्लेबाज दूसरे सत्र में खेलते हुए वक्त आपको देखने को मिलेंगे। मतलब यहां पर देखिए तीन ओवर का मुकाबला, पावर प्ले की पहली छह गेंदे यहां पर फेंकने के लिए तैयार जो इस टीम के मुख्य गेंदबाज जाने माने खिलाड़ी जितेश मैदान के अंदर। तो चलिए यहां से मुकाबला होगा शुरू। अंपायर ग्रीन सिग्नल आता हुआ विश्वजीत ठाकुर के लिए यहां पर देखिए गेंद फेंकी थी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ये मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। दोनों तरफ खिलाड़ी उतने ही बेहतरीन है, आग लगेगी इस मैदान में। ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए जीतना जरूरी है, डूबो डाय रहेगा। जिस तरह से कबड्डी में प्रो कबड्डी में आप देख सकते हैं उसी तरह से ये मुकाबला चलता हुआ। विश्वजीत ठाकुर के लिए यहां पर परेशानियां आती हुई, पहली गेंद डॉट आई उसके बावजूद ये दूसरी गेंद डॉट आने के बाद अभिजीत ठाकुर को चलने पर मजबूर किया कि चलिए अब आपस में होगी बात, बताएंगे कि आप जिस तरह से खेल रहे हैं ना और नॉन स्टॉप के खिलाड़ी को बेहतरीन मालूम रहता है। और उसके बाद यह कुछ काल मंत्र देते हुए तीसरी गेंद राइट हैंड और द विकेट से पे की थी। तीसरी गेंद पर यहां पर देखिए थोड़ी से पंबल हुए खिलाड़ी, लेकिन यहां पर विश्वजीत ठाकुर अपनी विकेट सेफ रखने के लिए यहां पर दौड़ते हुए हैं। यहां पर दोनों खिलाड़ी वाघ मिल्खा सिंह की याद दिलाते हुए यहां पर जान बचानी है तो दौड़ना पड़ेगा। यहां पर आपको रोने से कुछ नहीं होगा, यहां से लड़ना होगा। और यही बात यहां पर इस मुकाबले के अंदर बताते हुए दोनों खिलाड़ी दोनों टीमें यहां पर एक कर रहे गेंदबाजी जीतेश, दूसरी तरफ अभिजीत ठाकुर राइट हैंड और द विकेट से जन्मे गेंद फेंकी थी, लेकिन गेंद गोल के रफ्तार से स्क्वायर लेग को क्लियर करती हुई वन बाउंस टू बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही गाना, अब ऐसे कई कमाली सॉन्ग आपको सुनने के लिए मिलेंगे। अभिजीत ठाकुर फिर से कदमों का इस्तेमाल, देखिए यहां पर वाइनिश लॉन्ग आउट को क्लियर करती हुई बैक टू बैक अभिजीत ठाकुर के बल्ले से आता हुआ ये और एक दर्जेदार स्ट्रोक, नंबर मिलेंगे चार। अभिजीत ठाकुर विश्वजीत ठाकुर ने तीन गेंदे खेली, सिर्फ एक रन आई थी, उसके बाद स्ट्राइक हुआ रोटेड और उसके बाद आपको देखिए यहां पर चमत्कारी स्ट्रोक देखने को मिले। दो स्ट्रोक दो दिशा में देखने को मिले, एक वाइनिश लॉन्ग ऑन और एक स्क्वायर लेग के रीजन में। यह आखिरी गेंद उठाकर खेली लेकिन खतरा, लेकिन यहां पर सेफ लैंडिंग होती हुई सिंगल रन चुराई और सिंगल के साथ देखिए पहली ओवर यहां से होती हुई खत्म, छह गेंदे होती हुई खत्म। अभिजीत ठाकुर खुद से नाराज हो गए क्योंकि इस स्ट्रोक पर उन्हें चाहिए थे बड़ी रन संख्या, लेकिन मिलती हुई एक एक से टीम का टोटल बढ़ेगा छह गेंदों के बाद बगैर कोई विकेट गवाकर 10 रन संख्या। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट मुकाबला अजय 74
मोटी जी टीम के कप्तान आई है और कंकेश्वरी नगर टीम के कप्तान दिनेश बंडा और एक तरफ रह गया मोटी जी अजय 74 टीम के होनर खिलाड़ी दुरंधर मैदान के अंदर मोटी जी टीम की ओर से उतरेंगे। तो चलिए 6 गेंदों में आए 10 अभी तक 12 गेंदों का खेल है और इस 12 गेंदों में अब यहाँ से हवाई फायर करने जरूरी होगी क्योंकि जिस तरह से पिछला मुकाबला विश्वजीत ठाकुर ने अभिजीत ठाकुर ने और सभी टीम के मेंबर्स ने देखा है कि किस तरह से 3 गेंदों में चाहिए थे 12 और एक गेंद बचाकर सुमित गरज ने बैक टू बैक 2 गेंदों पर छक्के लगवा कर यह मुकाबला फिनिश किया था। तो इस मुकाबले में अभिजीत ठाकुर विश्वजीत ठाकुर को रन संख्या ज्यादा चाहिए 10 रन तो आ चुके हैं। यदि यहाँ से प्रतीक्षा करेंगे कि आने वाली 12 जो गेंदे है ना 12 गेंदों में 30 रनों की दरकार रहेगी टीम जरीमरिया ये क्रिकेट क्लब दुगुड़े टीम के लिए। मोरिया 11 सावरकर टीम इस वक्त गेंदबाजी की भागदौड़ संभाल रही है। गेंदबाजी के तौर पर यज्ञेश को आमंत्रित करते हुए कप्तान सुमित गरग। यज्ञेश ने पिछले मुकाबले में अच्छा स्पेल फेंका था लेकिन इस वक्त सामने अभिजीत ठाकुर ओहो ये देखिए कमाल की गेंदबाजी अभिजीत ठाकुर की मिड स्टम्प खारिज करते हुए अभिजीत ठाकुर को किया टाटा बाय बाय। चलिए छोड़िए मैदान क्योंकि यहाँ पर दादागिरी और हुकूमत निभाते हुए यज्ञेश ने यहाँ पर देखिए मुंह तोड़ जवाब दिया। पहली गेंद पर मिलती हुई सफलता अभिजीत ठाकुर लौट गए हैं मैदान से बाहर। डीजे बात है निशांत बेहतरीन सॉन्ग डेडिकेट करते हुए सभी दर्शकों को दिल बहलाने का काम प्रीतेश पाटिल मैदान के अंदर रवाना होते हुए। जानते हैं मोरिया 11 सावरकर टीम की दिगुड़ी तगड़ी टीम है लेकिन उनके अगेंस्ट भी खेलते समय यहाँ पर देखिए किसी तरह का वैज्ञानिक दबाव अंडर प्रेशर में खेलते समय नहीं देखने को मिली। प्रीतेश मात्रे इन एट नंबर 3 वन डाउन बैट्समैन आते हुए मैदान के अंदर। प्रीतेश मात्रे जो इस टीम की ताकत है उनके बल्ले से बड़े स्ट्रोक हर वक्त देखने को मिलते हैं लेकिन आज इस मुकाबले में उनका बल्ला चलना यहाँ पर दिगुड़े टीम के लिए बहुत जरूरी है। क्या यहाँ से चलेगा बल्ला या फिर से कुछ कारनामा करेंगे यज्ञेश। यज्ञेश ने आज की रात यहाँ पर हर एक दर्शकों का दिल जीता है। दर्शकों के गले के ताइज बन चुके हैं। स्ट्राइक एंड पर प्रीतेश मात्रे नो स्ट्राइक एंड पर विश्वजीत मेघनाथ ठाकुर। पहली गेंद खत्म और ये दूसरी गेंद फेंकने के लिए दूर वाली दौर से। चलिए यहां पर फील्डिंग में बदलाव बिल्कुल 10 रन बन चुके हैं। बची हुई 5 गेंदे इस दूसरे स्पेल के अभी तक शेष रहेगी। प्रीतेश मात्रे के लिए गेंद लेकिन गेंद हवा में फील्डर है मौजूद और नहीं करेंगे कोई गलती और यहाँ पर यज्ञेश को मिलता हुआ बैक टू बैक ये दूसरा विकेट। प्रीतेश मात्रे बैक टू पवेलियन बॉक्स। की गेंदबाजी 2 गेंदों में 2 विकेट चटकाए यज्ञेश ने कारनामा किया। यहाँ पर दिगुड़े टीम समस्या में आती हुई अभी एक ही ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है वो है विश्वजीत ठाकुर। इनका चलना अब दिगुड़े टीम के लिए बहुत जरूरी होगा। समस्या आ चुकी है। इस समस्या का क्या हाल ढूंढ पाएंगे। यज्ञेश ने कमाल की यहाँ पर चमत्कार को नमस्कार करते हुए क्योंकि आप अक्सर क्रिकेट खेलते हैं चाहे कौन सा भी क्षेत्र हो कौन से भी आप स्पोर्ट
खेलते हैं तो उसमें आपको 100% देना जरूरी होता है। और यहाँ पर मोरिया 11 सावर टीम के लिए ये ट्रम्प कार्ड है। गेंदबाजी का कमाल का ये गेंदबाज है, तेज रफ्तार उसके साथ नियंत्रित गेंदबाजी, सब कुछ इस गेंदबाज के पास देखने को मिली। विश्वजीत ठाकुर थोड़े से दबाव में रहेंगे क्योंकि 10 पर 2 विकेट गिर चुके हैं, लेकिन विश्वजीत ठाकुर यहां से बताते हुए कि हम अभी तक जिंदा है, टाइगर जिंदा है, बताते हुए कि ना पूछो कि मेरी मंजिल का है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं है, अपने टीम और खुद से वादा किया है। डीजे थैंक यू। 6 आए और 6 से टीम का टोटल देखिए 16 रन संख्या बन चुकी है, अभी तक 3 गेंदे खत्म हो चुकी है। यहां पर देखिए छोड़िए अंपायर का इशारा वाइड, इसके बाद होने वाला मुकाबला चलिए अजय 74 मोटेजे और उनके अगेंस्ट रहेगी कंकेश्वर नवगर टीम, दोनों कप्तानों से गुजारिश रहेगी। और यह आखिरी कॉल आपके लिए, आप जल्द से जल्द आइए, ये इनिंग समाप्त होने से पहले आपके दोनों कप्तान आना जरूरी होगा। 17 टीम का टोटल। और एक यहां पर बैकफुट पर जाकर, लेकिन वहां पर देखिए फील्डर क्या यहां पर उड़ान लेते हुए है, उड़ते हुए यहां पर सुपरमैन, उड़ते हुए यहां पर फ्लाइंग जैक देखने को मिले। लेकिन यहां पर दिगोरी टीम की मांग है कि ये 6 रनों के लिए है, लेकिन यहां पर देखिए अंपायर हमारे बताएंगे, यहाँ पर DRS लेंगे और DRS के यहाँ पर मदद लेते हुए और बताएंगे, जो भी निर्णय होगा वो आपको जरूर मिलेगा। हमारे RTC लाइव टीम के मेंबर्स यहाँ पर ये गेंद पर क्या अच्छे है या फील्डर सक्सेस है ये देखेंगे। रिप्ले में आप देख सकते हैं, थोड़ा सा नजदीक लीजिए, तो चलिए यहां से 2 रन ही मिलेंगे। गुड फील्ड यहाँ पर देखिए, जिस तरह से झलांग लगाई थी ना, तो हमारे पवन पुत्र हनुमान जी की याद दिलाई थी इस खिलाड़ी ने। 2 मिलेंगे और 2 के साथ टीम का टोटल 19 बनता हुआ। तो चलिए यहाँ पर 19 रन संख्या, अभिजीत ठाकुर आउट होने के बाद पूरी तरह से जिम्मेदारी लेकर मैदान के अंदर विश्वजीत मेघना ठाकुर को यह पारी संभालनी होगी और उसी पर ध्यान देते हुए गेंद खत्म हो चुकी है। कुल मिलाकर 4, टीम का टोटल बनता हुआ 19 और 2 सफलता स्कोर कार्ड पर लगती हुई। यहां पर देखिए क्लास और कलात्मक स्ट्रोक, लेकिन क्या बीट कर पाएगी और गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग रीजन को क्लियर करती हुई 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। टोटल बनता हुआ 23 रन संख्या, सम्मान दिया, ये अच्छे खिलाड़ी की पहचान रही थी दोस्तों। क्रिकेट में कपिल देव सर ने कहा था कि अच्छे गेंदों को सम्मान दीजिए और बुरे गेंदों का समाचार लीजिए। तो चलिए ये आखिरी पुकार होगा कि अजय 70 स्पोर्ट मोटेजी टीम और उनके अगेंस्ट खेलने वाली टीम रहेगी, इसके बाद कंकेश्वर जी नवगर टीम। यदि नहीं आ पाए ये इनिंग समाप्त होने से पहले तो मुकाबला यहाँ से 2 ओवर का खिलाया जाएगा, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। आयोजक करता हुआ की कड़ी चुनौती आपके लिए रहेगी। तो चलिए यहाँ पर मोटेजी टीम, अजय 70 स्पोर्ट मोटेजी टीम के खिलाड़ी यानी कि कप्तान यहाँ पर आते हुए, अब कंकेश्वरी नवगर टीम के कप्तान आइए जल्द से जल्द।
तो 12 गेंदे हो चुकी है खत्म। 12 के बाद टीम का टोटल की बात करें तो बनता हुआ कुल मिलाकर 24 रन संख्या, यानी हर स्पेल में यहां पर रिक्वायर्ड रन रेट 12 से चलती हुई टीम दिगुड़े टीम देखने को मिल रही है। तो चलिए 6 गेंदे होगी यहां पर स्लॉगर, इस स्लॉगर का क्या फायदा उठा पाएंगे। हम अक्सर कहते हैं ना कि नदी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तब जाती है दोस्तों जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी है, कभी है, किसी के लिए समस्या नहीं होती, समस्या तब होती है जब इंसान परिस्थितियों से निपटना नहीं चाहता। कोशिश करनी चाहिए क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहां से आपका आत्मविश्वास, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका तगड़ा होना तो आपको सफलता से कोई नहीं रुका पाएगा। यहाँ पर विश्वजीत मेघनाथ ठाकुर फिर से खेलने के लिए तैयार, टेनिस क्रिकेट का हार्दिक पांड्या जिन्हें कहा जाता है, रायगढ़ का यह वंडर बॉय। ओहो, बैकफुट पर जाकर क्लासिकल कलात्मक और एक बढ़िया स्ट्रोक, अंपायर डिसीजन यहाँ पर आता हुआ पॉइंट दिशा को क्लियर करता हुआ विश्वजीत ठाकुर के बल्ले से वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। थैंक यू सो मच। कहते हैं ना कि चाहता बारिश को रुका नहीं सकता, लेकिन बारिश में खड़ा रहने की हर वक्त कोशिश करता है और खड़ा रहता है। उसी तरह से विश्वजीत ठाकुर जो भी विकेट गए हैं, विकेटों के बाद भी मैदान में खड़े रहे और टोटल बनाने का काम करे इस वक्त टीम के लिए। रन आउट की विकेट जरूर मिलेगी, ये तीसरा विकेट मैदान से बाहर होता हुआ डीजे। नेक्स्ट बैट्समैन मैदान के अंदर योगेश कोहली, मैदान के अंदर जर्सी नंबर 6 विश्वजीत ठाकुर इस वक्त मैदान के अंदर खड़े हैं। 4 गेंदे इस वक्त फेंकनी होगी सावरकर टीम को और ये 4 गेंदे फेस करनी होगी विश्वजीत ठाकुर को। हम अक्सर कहते हैं हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी तो करके दिखाना है और विश्वजीत ठाकुर ने ऐसा कई बार करके दिखाया। विश्वजीत ठाकुर महाराष्ट्र के आन बान शान, उरन का दिगोड़े गांव का ये सुपुत्र यहां पर बताते हुए चलिए बैकफुट पर जाकर जगह बनाई, रूम बनाई और गेंद को भेजा फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर नंबर 4 रनों के लिए। तो चलिए यहां से जानकारी भी कि हमारे बुकरवीरा गांव की हमारे कबड्डी पटो की टीम का नाम है गणेश बुकरवीरा, इन्होंने फाइनल में प्रवेश किया है तो उनके लिए भी शुभकामनाएं। जोरदार तालियां बजाइए दोस्तों, ये उरण का टैलेंट आपको देखने को मिलेगा। चलिए लाइट बंद कीजिए, लाइट ऑफ कीजिए। 3 गेंदे खत्म हो चुके हैं, टीम का टोटल 33। रिवर्सली बैटिंग करने की जरूर कोशिश की थी लेकिन उसमें असफल देखने को मिली। बची हुई 2 गेंदे रहेगी शेष, टीम का टोटल बनता हुआ 33। कंकेश्वरी नवगर टीम आखिरी पुकार होगा, देखिए मोटो जी टीम के कप्तान आ चुके हैं। स्लोवर चकमा अक्सर विकी इसी तरह की गेंदबाजी करते हैं और वही दिखाया। आखिरी गेंद, विश्वजीत ठाकुर सोच रहे हैं क्या हो रहा है। टीम का टोटल बनता हुआ 33। अंतिम गेंद क्या यहां से हार्दिक पांड्या की याद दिला पाएंगे, यहां से महेंद्र सिंह धोनी की याद दिला पाएंगे। इस गेंद पर कितने नंबर आएंगे, जड़ में गेंद फेंकी थी, सिंगल तो जरूर मिलेगी। दूसरी की मांग, दूसरी के लिए दौड़े चले और यहां पर देखिए डायरेक्ट, लेकिन 2 रन
पूरे करते हुए टीम का टोटल बनता हुआ 35-34 का रहेगा टारगेट। तो चलिए इसके बीच में यहाँ पर कनकेश्वरी नवगढ़ टीम के कप्तान दिनेश दादा बंदा इनका यहाँ पर आगमन हो चुका है और अजय 74 मोटेजी टीम के कप्तान शायद अंकेश यहाँ पर उनका भी यहाँ पर आगमन होता हुआ। दोनों खिलाड़ी तगड़े तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। आयोजककर्ता से विनती करता हूँ, टाइमिंग मिल चुका है तो उसमें आप टॉस करके लीजिए। दोनों टीमें के लिए बहुत सारे शुभकामनाएं हमारे मोटेजी गांव के हमारे परम मित्र दीपक जी भोगी विद्यमान सदस्य गुरुग्राम पंचायत के उनके ये गांव की टीम और उनके ओर से अजय 74 मोटेजी टीम के लिए शुभकामनाएं आती हुई। टॉस जीत चुकी है कनकेश्वरी नौकर टीम। जो भी आपका फैसला रहेगा दिनेश दादा बंडा वो लेकर तुरंत मैदान के अंदर ये मुकाबला खत्म होने के बाद आई है। तो चलिए टीम की बात करें तो यहाँ पर दुगड़े टीम ने पहले बल्लेबाजी करते समय 35 रन इकट्ठी की और 34 रनों का रहेगा टारगेट। ये 34 रनों का टारगेट किस तरह से पूरी कर पाएगी आप कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए आरटीसी लाइव के माध्यम से। यहाँ पर जारा खर्चा ग्रुप खंडोबा ग्रुप ग्रामस्थ बोकड़ी आयोजित स्वर्गीय सुरेंद्र दादा पाटिल व स्वर्गीय विनेश दादा पाटिल स्मृति चषक 2022 आम्ही घेतो। तोपर्यंत ब्रेक आणि पुन्हा एकदा माईकवर होणार बदलाव आमच्या हितेश म्हात्रे सर जसकर यांना आम्ही इन्व्हाइट करतो। थँक्यू सो मच। मोरी आई लेवन सावरकर संघ टीट फॉर टॅट जसं तसं चोख प्रत्युत्तर या वेळेला द्यावा लागणार आहे कारण की 36 धावांचा पाठलाग करायचा आहे। प्रत्येक षटकामागे 12 सरासरी म्हणजे प्रत्येक षटकामागे 2 मोठे फटके मेडल करायचे आहेत आणि ते करण्यासाठी सावरकर संघाची सलामीची जोडी देखील मैदानामध्ये जाताना आपल्याला पाहायला मिळते। अगदी मोठी मॅच कारण की ही मॅच जिंकणारा संघ येथील एका ट्रॉफीचा मानकरी होणार आहे त्यामुळे या मॅचला अगदी मोठं भव्य असं स्वरूप आपल्याला प्राप्त झालेलं पाहायला मिळत आहे कारण की ही टक्कर काटेकी टक्कर होणार आहे यामध्ये तेवढं मात्र शंका नाही कारण की जो पराभूत होणार आहे तो या टुर्नामेंटला सोडून जाणार आहे आणि जो विजयी होणार आहे तो येथील एका बक्षिसाचा मानकरी होणार आहे त्यामुळे ही अगदी मोठी मॅच असणार आहे। एका बाजूला मोरिया सावरकर सलामीची जोडी एका बाजूला सुमित घरात आणि दुसऱ्या बाजूला चेतन घरात नक्कीच या उरणमधील अगदी 2 महाशक्ती या वेळेला सलामीच्या स्वरूपामध्ये मैदानामध्ये जाताना आपल्याला पाहायला मिळतात। परंतु जर ऑपोजिट पाहिलं तर ऑपोजिट टीम मध्ये देखील 2 महाशक्ती आपल्याला पाहायला मिळतात ज्याच्यामध्ये विश्वजीत घरात आणि अभिजीत घरात आपल्याला पाहायला मिळतात। म्हणजे ही सॉरी चुकीबद्दल समजतो विश्वजीत ठाकूर आणि अभिजीत ठाकूर कारण की नक्कीच नावात काय असतं परंतु नावातच सगळं काय असतं कारण की ती चूक आमच्या निदर्शनास आणली कारण की आपण 100 गोष्टी कितीही चांगल्या सांगा परंतु एक गोष्ट जर चुकली ना तर आमच्या प्रेक्षकांच्या नजरा टॅव करून आमच्याकडे जरूर वळतात। काही हरकत नाही जाऊया मॅचकडे। अगदी खूप मोठी मॅच होणार यामध्ये तिळ मात्र शंका नाही आहे। 36 धावांचं आव्हान आणि ते आव्हान पार करण्यासाठी सावरकर संघाची अगदी बिनीची जोडी यावेळेला मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय। परंतु मनीष आमची चूक आम्हाला नक्कीच निदर्शनास आणतोय असं वाटलं होतं की टांगा पलटी झाला परंतु टांगा अजूनही सद्यस्थितीला पाहायला मिळतोय। काही हरकत नाही जाव्या थोडीशी मनोरंजकांची गोष्ट आहे कारण की मनीष आमचा अगदी जवळचा मित्र आहे तुम्हाला आमच्यावरती रागावणार नाही आहे। नक्कीच एका बाजूला आपण पाहतोय तर चेतन घरीत
चेतन घरात म्हटलं ना तर नक्कीच पिंटू परचे आणि कृष्णा सातपुतेची झलक त्याच्यामध्ये तुम्हाला जरूर दिसणार ए बी डी विलियर, कारण की नक्कीच 360 मध्ये खेळणारा खेळाडू आहे. कारण की नक्कीच आपण पाहिली त्याची स्टाईल जर आपण पाहिली ना तर फटका खेळताना तो आपली प्लॅस्टिक प्रमाणे अंगाची घडी घालतो आणि ती घडी पाहण्यासाठी हा प्रेक्षक राजा नक्कीच तल्लीन झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. परंतु समोर जर आपण पाहिला तर टेनिस क्रिकेटचा हार्दिक पांड्या म्हणून ज्याला संबोधलं जाणारा विश्वजीत ठाकूर आपल्याला पाहायला मिळतोय. या रायगडाची आणबाण शान आणि आमचा अभिमान म्हणून आम्ही त्यांच्याकडे पाहतोय. म्हणजे हे द्वंद्व नक्कीच पाहण्यासाठी असे पाहण्यासारखे असणार आहे, कारण की ही मॅच म्हणजे प्रेक्षकांसाठी अगदी परवानी असणार आहे आणि नक्कीच प्रेक्षक राजा ही मॅच पाहताना अगदी सुखावताना आपल्याला पाहायला जरूर मिळेल. मॅच ऑन होते, गेम ऑन होते, ठोसा ठोसा लगावण्यासाठी सावरकर संघ सज्ज झाला. एक डाव तुझा होता तर एक डाव माझा होता या अनुषंगाने खेळताना दोन्ही संघ आपल्याला पाहायला मिळतील. मॅच ऑन, पहिला चेंडू. नक्कीच दरम्यानच्या काळामध्ये पावलामध्ये काहीसा बिघाड झाला, तीन षटकाचा सामना असल्यामुळे दोन क्षेत्ररक्षक सर्कलच्या अगदी बाहेर आपल्याला पाहायला मिळतात. यावेळेला अगदी हलक्या हाताने चेंडू खेळून काढला, मिड ऑफला हा चेंडू जातोय आणि मॅचचा आनंद घेण्यासाठी गोमाता देखील आपण कव्हरच्या दिशेला पाहू शकतोय, कारण की तिला अगदी जवळून ही मॅच पाहायची आहे, चेतन घरची फलंदाजी पाहायची आहे. दरम्यानच्या काळामध्ये जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न पंचांकडे संशयाच्या नजरेने पाहिला होता, परंतु पंचाने हा चेंडू योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला. परंतु इथं एक वॉर्निंग जरूर गोलंदाजाला दिली गेली आहे, कारण की असा पुन्हा एकदा चेंडू टाकला तर मात्र त्याला दंडित देखील केलं जाऊ शकतो. परंतु इथं मात्र दोन चेंडू झालेत आणि सावरकर संघाची पाठी यावेळेला कोरी आहे, कारण की नक्कीच प्रत्येक खेळाची सुरुवात शून्यातून होते, आपल्या कर्तृत्वाने त्याच्यामध्ये अंक भरायचे असतात. यावेळेचा चेंडू अगदी वेगानं आपल्याला पाहायला मिळतोय, अगदी रफ्तार का बादशाह या खेळाडूला का म्हटलं जातं, डोळ्याचं पातळ लवताना लवतो तोच यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू जाऊन विसावला, इतका भेदक मारा आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्यामुळे तीन चेंडूचा खेळ इथे संपला. पुन्हा एकदा या तीन चेंडू नंतर धावसंख्या मात्र कुठली बरारी घेत नाहीये, शून्य या धावसंख्येवरती आपल्याला पाहायला मिळते, अगदी स्तब्ध आहे. यावेळेचा चेंडू पुन्हा एकदा वेग वेग आणि वेग, अगदी वेगाचा बादशाह आपल्याला का म्हणतात त्याचा अगदी प्रात्यक्षिक आपल्याला पाहायला मिळतं. आपण दिघोडीमधून नक्कीच मोठ्या मोठ्या देशांमध्ये खेळण्यासाठी का दिलं, दुबई कतार या वाऱ्या का केल्या, कारण की आपल्यामध्ये कुवत आहे, आपल्यामध्ये सामर्थ्य आहे, आपल्यामध्ये क्षमता आहे आणि ती क्षमता त्याने सिद्ध केली आहे. कारण की म्हटलं जातं सिद्ध व्हा प्रसिद्ध व्हाल आणि नक्कीच प्रसिद्धीच्या झोकात आलेला खेळाडू देखील आपल्याला पाहायला मिळतो. परंतु समोरच्या बाजूने आपण पाहिलं ना तर या उरण मधील हा अगदी दमदार खेळाडू आहे, परंतु त्याला देखील अगदी शांत ठेवलाय. यावेळेला अगदी स्क्वेअर लेग पंचांच्या माध्यमातून हा स्लोकस्वीप आपल्याला पाहायला मिळाला, चेंडू जातोय गरंगळात सीमा पार चौकार. नक्कीच यावेळेला चेतनने मात्र डोक्याचा वापर केला, कारण की पायाने चालतो तो काही अंतर चालतो आणि चालताना जो डोक्याचा वापर करतो तो आपल्या उद्दिष्टांपर्यंत पोहोचतो. कारण की पाहिलं की अगदी गतिमान हा खेळाडू आहे, समोरच्या बाजूने हा फलंदाजी करू देत नाहीये, त्यामुळे शॉर्टकट निवडला त्याने चौकार मारला. याही वेळेला अगदी समोरच्या बाजूने चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न बसला, त्यामुळे षटक संपतंय पहिलं. आणि या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जर आपण धाव पलकावर पाहिली तर बिनबाद चार धावा. नक्कीच थोडासा वेळ जाऊया डीजे निशान कडे, ऐकू एक सुमधुर संगीत. दरम्यानच्या काळामध्ये आपण पाहतोय जी सरासरी 12 ची होती
ती सरासरी कारण की आता 32 धावांची गरज आहे ती सरासरी मात्र 16 ची जाऊन पोहोचली आहे म्हणजे प्रत्येक षटकामागे 16 धावा तुम्हाला कराव्या लागतील म्हणजे तीन मोठे फटके या वेळेला मारावे लागणार आहेत कारण की आपण पाहिलं तर समोर सुमित गरत आहे मॅच फिनिशर म्हणून त्या खेळाडूची ओळख आहे परंतु या वेळेला गोलंदाजीसाठी पुन्हा एकदा आपल्याला पाहायला मिळतो सर्वात मोठं नाव अभिजीत ठाकूर छोट्या या नावाने संबोधला जाणारा खेळाडू विक्रोलियन्स विक्रोली टीम मध्ये खेळता टीमचं नेतृत्व करताना देखील या खेळाडूला आपण खूप वेळा पाहिलाय या वेळेला कारपाटीच्या माध्यमातून घरंगळत चेंडू जातो मेडविकेट रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे एका धावेने धावपलक पुढे सरकणार आहे कारण की येथे मात्र जिंकायचं असेल ना तर चौकार षटकार आता येणं गरजेचं आहे एकेरी दुहेरी धावा मात्र तुम्हाला पराभवाच्या दिशेने घेऊन जातील कारण की नाही चलेगा एका दुका अगर जीतना है तो इधर मात्र लगाना पड़ेगा छक्का और चौका आणि तो नक्कीच इथे चेतन घरतला मारावा लागणार आहे या वेळेचा चेंडू एका हाताने मारण्याचा प्रयत्न फसला पुन्हा एकदा चेंडू एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन बसला अगदी तेज तर्रार गोलंदाजी आणि आपण पाहिला तर चेतन गरज सारखं नावाचं वादळ अगदी शांत ठेवलंय कुठलाही मोठा फटका त्याला मारू दिला जात नाही या वेळेला अगदी समोरच्या बाजूने चेंडू मारलाय चेंडू अगदी सुंदरसा झेल बहुतेक त्या ठिकाणी कैद केला मिड विकेट झोनच्या अगदी सीमारेषेच्या बाहेर जवळ हा झेल पकडला गेला त्यामुळे विकेट नंबर एक चेतन होतोय झेलबाद दरम्यानच्या काळामध्ये नक्कीच थोडासा अडचणीत सापडला आहे कारण की धावा मात्र 5 आहेत आणि महत्त्वाचा खेळाडू देखील मैदानाच्या बाहेर आणि रिक्वायर्ड रन रेट मध्ये नक्कीच वाढ होताना पाहायला मिळते या वेळचा चेंडू पुन्हा एकदा डॉट बॉल आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि पाऊली चालली पंढरीची वाट बहुतेक 12व्या खेळाडूला देखील या सामन्याचा निकाल समजलेला पाहायला मिळतोय कारण की नक्कीच नेव्हर गिव्ह अप असं म्हटलं जातं शेवटपर्यंत जिथं सोडू नका या वेळेला फटका फसला क्षेत्ररक्षक चेंडूचा आणि आपण पाहू शकाल इथं काय घडलंय की चेंडू पायाला लागून बहुतेक सीमारेषेजवळ जातो की काय आणि असं वाटलं होतं की झेल होतोय की काय परंतु त्याच्या पायाला लागून हा चेंडू जातोय आणि पंचांचा इशारा येतोय 4 धावांचा धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे 9 घरामध्ये अजूनही खूप धावांची गरज आहे हा सामना जिंकण्यासाठी अगदी चांगलं क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतंय या वेळेचा फटका फसण्याची शक्यता आहे परंतु चेंडू मात्र नो मॅन लँड मध्ये पडतोय आणि त्यामुळे हे दुसरं षटक देखील संपल्याचा निर्वाळा इथे होणार आहे आणि या दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जर धावपलकावर आपण पाहिली ना तर 10 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात म्हणजे हा सामना जिंकण्यासाठी जवळपास आपण पाहिलं ना तर 26 धावांची गरज आहे आणि या 26 धावा काढण्यासाठी अगदी लांब लांब उत्तुंग फटके मारावे लागतील मैदानामध्ये मोण्या जरूर गेला त्याच्याकडे ताकद आहे क्षमता आहे सुमित आहे सुमित कडे देखील ताकद आहे परंतु इथं मात्र अगदी कठीण परिस्थिती जरूर निर्माण झाली आहे कारण की 26 धावांची गरज म्हणजे जवळपास तुम्हाला 4 मोठे फटके मारावे लागणार त्यांनी ते मारून देखील 2 धावा देखील काढावे लागणार आहेत नवीन गोलंदाज आयुष कोहली आवडायला मैदानामध्ये कारण की ही बिग फाईट मोठी मॅच आहे आणि ही मॅच जिंकणारा संघ नक्कीच एका ट्रॉफीचा मानकरी होणार आहे त्यामुळे या मॅचला मोठं स्वरूप देखील प्राप्त झालं होतं असं वाटलं होतं अगदी तगडा प्रतिकार पाहायला मिळेल परंतु ही यो सामना मात्र शेवटच्या षटकामध्ये पदार्पण करतोय या वेळेचा हा चेंडू मात्र डॉट जातोय म्हणजे उरलेत 5 चेंडू आणि 5 चेंडू मध्ये 26 धावांची गरज म्हणजे हळूहळू का होईना
आज सामना मात्र दिगोडे संघाच्या बाजूने अगदी सरकताना आपल्याला पाहायला मिळतोय, कारण की गोलंदाजाने आणखी एक डॉट टाकला तर हा सामना मात्र दिगोडे संघाच्या पूर्णपणे झोळीमध्ये जाणार आहे। परंतु हा सामना जिंकण्यासाठी तुम्हाला मोठे मोठे फटके मारावे लागणार आहेत। यावेळेचा हा मोठा फटका येईल का? आणि चेंडू पोहोचतोय सीमारेखेच्या बाहेर, जातोय चौकार। दरम्यान येणारे चार चेंडू आणि 22 धावांची गरज, म्हणजे चार मोठे फटके अजूनही मारायचे आहेत। जवळपास तीन षटकार एक चौकार मारला तरी चालेल, परंतु ते मारावे लागतील। आणि यावेळेचा चेंडू मात्र मैदानामध्ये राहतोय, म्हणजे इथं मात्र विजयाच्या उंबरठ्यावरती आता मात्र जरूर म्हणावं लागेल की दिगोडे संघ उभा आहे। कुठल्याही क्षणी विजयाची माळ त्यांच्या गळ्यामध्ये पडण्याची शक्यता जर गोलंदाजांनी कुठली चूक केली नाही। आणि मनीष देखील आमची साथ सोडतोय, काही हरकत नाही मनीष, मॅच आपण बघत राहायचंय। बक्षीस समारंभ आटपल्याशिवाय आपण जायचं नाही आहे। शेवटचे तीन चेंडू शिल्लक आहेत आणि 21 धावांची गरज। यावेळेला मोन्याने जरूर फटका चांगला खेळला, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी फंबल झाला आणि या चेंडूवरती ताबा मिळवेपर्यंत आपण पाहतोय एक धाव जरूर पूर्ण केली आहे, म्हणजे सामना पूर्णपणे झुकला। येणारे दोन चेंडू आणि जवळपास 20 धावांची गरज, म्हणजे जवळपास परतीचे पूर्णपणे दोर कापून टाकलेत, परतीचे दरवाजे पूर्णपणे बंद केलेत यावेळेला सावरकर संघाचे। आणि जवळपास आता मात्र नेतृत्व मोसमी वारे नक्कीच वाहू लागलेत, ते दिगोडे संघाच्या गोटामध्ये कुठल्याही क्षणी विजयाचा पाऊस त्यांच्या बाजूने पडणार आहे, ही शक्यता जरूर वर्तवली जाते। कारण की एक चेंडू आणि 20 धावांची गरज, म्हणजे नक्कीच आपण पाहतोय या एका ट्रॉफीकडे वाटचाल करण्याचे संकेत नक्कीच दिगोडे संघाने आमच्यापर्यंत जरूर पोहोचवलेत। आणि अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन, सुपर चार मध्ये जाणारी आणखी एक टीम आम्हाला मिळाली आहे, जिचं नाव आहे SN दिगोडे संघ। आणि या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच मॅन ऑफ द मॅच, सलग तीन मॅन ऑफ द मॅच आपल्या नावावरती, विश्वजीत मोठ्या ठरतोय, 12 चेंडू आणि तब्बल 23 धावा। पुन्हा एकदा विनंती करतोय, चला मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी कलेक्ट करण्यासाठी मोठे आपण यायचंय। आणि चला नाणेफेकी जिंकलेल्या संघाला विनंती राहील की आपण मैदानाचा ताबा घ्यायचा, ज्या संघाची फलंदाजी आहे आपण डगआउट मध्ये जाऊन स्थानापन्न व्हायचा आणि सामना जसा चालू होईल पुढचा